आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करूँगा ना, ये मूवी जी फाड़ मूवी है सच में। मतलब मैं इस मूवी के बारे में आपको क्या ही बताऊँ। डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक शहर में काफ़ी भारी मात्रा में वर्षा हो रही होती है। ये शहर एक सुनसान जगह पर होता है और ये महिला इस शहर में पहली बार आ रही है। इस महिला को हम बुलाएंगे ये पिंकी। तो पिंकी जैसे ही कार से उतरती है, वो काफ़ी जल्दबाजी में एक घर के पास जाती है। दरअसल पिंकी ने इस घर को रेंट पे ले रखा है और उसने एक महीने पहले इस घर को बुक किया था। और इस घर का नंबर होता है 476। इस जगह का नाम होता है बारबरी। और जैसे ही वो यहाँ पर चेक करती है, इस घर के इस बॉक्स में चाबी नहीं होती और वो काफ़ी परेशान होती है कि सारा पैसा तो पहले ले लिया पर चाबी तो यहाँ पर है ही नहीं, अब मैं कहाँ पर रुकूंगी। कि तभी पिंकी क्या नोटिस करती है कि इस घर की लाइट चालू है, यानी कि इस घर के अंदर कोई ना कोई तो है। और अब वो यहाँ इस घर की डोर बेल बजाती है और इस घर से एक लड़का बाहर निकलता है। अभी लड़का काफी सरप्राइज होता है पिंकी को देखकर। वो पिंकी से कहता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, इस घर को मैंने रेंट पे ले रखा है। पिंकी कहती है कुछ भी मत बोल, एक महीने पहले ही मैंने इस घर की बुकिंग कर ली थी। और पिंकी यहाँ पर सबूत भी दिखाती है कि उसने कहाँ से इस घर की बुकिंग करी थी। पर सरप्राइजली इस लड़के ने भी इसी जगह से बुकिंग करी थी इस घर की। इस लड़के को हम बुलाएंगे जॉनी। तो जॉनी पिंकी से कहता है कि वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम जब तक घर के अंदर आ जाओ। पर अब जाहिर सी बात है, पिंकी को मालूम है कि वो एक महिला है और जॉनी से उसका इंटरेक्शन भी पहला है, तो ये बच्चा जैसा दिखने वाला इंसान कहीं बच्चा ना कर दे। तो जॉनी यहाँ पर कहता है कि अगर फोन नहीं लग रहा है तो हम लोग उनको कल फोन लगा लेंगे और दोनों यहाँ पर अपना रिफंड मांग लेंगे, तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। तो पिंकी को ऐसा लगता है कि देखो मैंने तो चेक करा दिया। तो पिंकी यहाँ पर जॉनी से भी कहती है कि तुम भी प्रूफ दिखाओ कि तुमने इस घर को बुक किया था। तो जॉनी भी प्रूफ दिखा देता है। मतलब जॉनी भी जेनुअन बंदा, पिंकी भी जेनुअन बंदी। बीच में इन दोनों को सी किसने बनाया, यानी कि सी इनको कंपनी ने बनाया जिसने इन दोनों की इस घर की बुकिंग एक्सेप्ट कर ली। तब जॉनी कहता है कि तुम एक काम करना, तुम बेडरूम में सो जाओ और मैं यहाँ पर सोफे में सो जाऊंगा। तो पिंकी मैडम जी कहती है अंदर तो मैं सो जाऊंगी पर मैंने देखी है कि बेडशीट गंदी है। तो जॉनी सोचता है अजीब औरत है, एक तो मैं इसको ऑफर कर रहा कि जाकर बेड पे सो जा, पर इसको उंगली पकड़ा ये तो हाथ पकड़ रही है। पर जॉनी भी एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है और उस बेडशीट को धोने के लिए डाल देता है। अब जॉनी यहाँ पर पिंकी से कहता है कि कॉफी पी लो, गर्म पानी कर देता हूँ, गर्म पानी पी लो। पर पिंकी भी स्मार्ट थी, ऐसे भी किसी के कहने पर वो उसके हाथों से चीज नहीं खा लेगी या पी लेगी। और जब पिंकी नहा धोकर बाहर निकलती है तब इस टेबल में हमारा जॉनी, वो कहता है कि मैंने इस वाइन की बोतल को नहीं खोला है ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि मैंने इस वाइन के अंदर कुछ मिला दिया है और मैं तुमको बेहोश करके तुम्हारे साथ संस्कारी प्रोग्राम न कर लूं या जो भी तुम समझो। पर पिंकी तो भैया पिंकी ठहरी। पिंकी कहती है कि देखो ऐसा है कि मुझको नहीं जानना कि इस वाइन का टेस्ट कैसा है। तो जॉनी भी मन में सोचता है चा मुदा मैं खुद ही पी लेता हूँ। जॉनी कहता है पिंकी से कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब पिंकी कहती है कि एक जॉब इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ पर आई थी। जॉनी कहता है ये तो एक उजड़ा हुआ शहर है, यहाँ पर तुमको कौन सी जॉब चाहिए। तो पिंकी कहती है कि दरअसल यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग होने वाली है और वहीं पर मुझको जॉब मिलने वाली है। और अब पिंकी जॉनी के साथ पूरी घुल मिल जाती है। खैर अब जॉनी सो जाता है सोफे में और पिंकी सो जाती है बेड पर। और अगले दिन जब यहाँ पर पिंकी उठती है तब उसको जॉनी कहीं पर भी नहीं दिखता। पिंकी को यहाँ पर एक नोट मिलता है जो कि जॉनी ने ही लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि वो शाम को वापस आ जाएगा। और अब जैसे ही हमारी पिंकी इस घर से बाहर निकलती है, वो क्या देखती है कि आसपास का नजारा काफी डरावना होता है। यहाँ के घर काफी टूटे फूटे थे और यहाँ पर कोई भी नहीं रहा करता था। तो अब पिंकी भी यहाँ से निकल जाती है अपने जॉब इंटरव्यू के लिए। तो जिस महिला को वो इंटरव्यू दे रही थी उसका इंटरव्यू अच्छी तरीके से हो जाता है। पर ये महिला कहती है कि तुम बाबरी में क्यों रुकी हो, मैंने सुना है कि वो जगह ठीक नहीं है। तो पिंकी कहती है कोई बात नहीं, मुझको आदत है ऐसी जगह पर रहने की, मैं हर जगह एडजस्ट हो जाती हूँ। पर अब पिंकी जैसी उस घर में वापस आती है, यहाँ पर एक पागल सा आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। हर पिंकी की तुम्हारों हालत खराब हो जाती है कि अभी ये कौन पीछे लग गया। और वो जल्दी से अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देती है और वो इतनी जल्दी में थी कि वो चाबी बाहर रखना भूल जाती है और डर के मारे इस घर के बेसमेंट में घुस जाती है। और इस बेसमेंट के पास उसको एक रस्सी दिखती है और हमारी पिंकी जैसे ही धीरे धीरे करके उस रस्सी को अपनी तरफ खींचती है, यहाँ पर एक दरवाजा खुलता है। वो यहाँ पर एक काफी बड़े शीशे को लाइट के पास तिरछा रखकर सामने रोशनी करके आगे बढ़ती है, जहाँ पर उसको एक और कमरा दिखता है। और इस कमरे में एक बेड डला होता है, एक बाल्टी रखी होती है, साथ ही साथ इस दीवार पर एक हाथ का पंजा होता है।
कांग्रेस का नहीं खून का। और अब पिंकी काफी घबराई आती है और दौड़ लगाकर यहाँ से बाहर भागती है। और वो इस बेसमेंट की खिड़की से क्या देखती है कि यहाँ पर जॉनी भी आ चुका है। और वो यहाँ से जॉनी को चाबी पकड़ा देती है और जॉनी अंदर आ जाता है। पर जॉनी क्या देखता है कि पिंकी काफी ज्यादा डरी हुई है। पिंकी कहती है कि बेसमेंट में एक खुफिया कमरा है और वहां पर मैंने पंजे का निशान देखा। और पता है बड़ी बात क्या है कि वो पंजे का निशान कांग्रेस का नहीं खून का था। तब जॉनी कहता है कि पंजे का निशान वो भी खून वाला, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो। मैं एक बार जाकर देखता हूँ, तुम बस यहीं पर रुकना और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मुझको बचाने के लिए नीचे आ जाना। मतलब फालतू का उड़ता हुआ तीर लेना है जॉनी को। जब पिंकी कह रही है कि नीचे मत जा, लेकिन नहीं चुल है भाई साहब। तो अब जॉनी जी बेसमेंट की तरफ निकल जाते हैं और वो काफी देर तक ऊपर नहीं आता। तो अब धीरे धीरे करके पिंकी दोबारा से बेसमेंट में जाती है। अब एक कमरा वो पहले ही देख चुकी थी जहाँ पर जॉनी नहीं होता। तभी उसको बगल में ही एक और दरवाजा दिखता है और इस दरवाजे को खोलने पर पिंकी क्या देखती है कि यहाँ पर काफी बड़ी सुरंग है और उसको इसी सुरंग से जॉनी की आवाज आ रही थी। और वो डर के मारे धीरे धीरे करके इस सुरंग के अंदर जाती है और जॉनी को ढूंढने लगती है। और तभी उसको अचानक से एकदम से जॉनी दिखता है और जॉनी यहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ था। जॉनी कहता है कि यहाँ पर कुछ है, उसने मेरे पैर पर काटा। तब पिंकी कहती है कि तू अपनी क्यों यहाँ पर चामोदाने आया था, मैंने पहले तेरे से कहा था। तब पिंकी कहती है कि मुझको लग ही रहा था कि यहाँ पर कोई है। और अब यहाँ पर पिंकी चीख चीख कर बहस कर रही होती है पर जॉनी यहाँ पर कहता है कि शांत रहो प्लीज माता जी शांत रहो। कितने में ही पीछे से काफी बड़े बड़े थनों को लेकर एक महिला आती है जो कि महिला की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती है, वो एकदम राक्षसनी लगती है। वो यहाँ पर पिंकी के सामने जॉनी के सिर की पचौनी बना देती है और पिंकी की ये देखकर पेशाब निकल जाती है। सलामत। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है एक आदमी जो कि इस लाल कार में बैठकर म्यूजिक सुन रहा होता है कि तभी उसके पास उसके ऑफिस से फोन आता है और वो कहता है कि जिसके साथ तू मूवी बना रहा था तूने उस महिला के साथ संस्कारी होने की कोशिश करी, वो भी बिना उसके परमिशन के, और अब उस महिला ने तेरे ऊपर केस कर दिया है और अब जो तेरे आने वाली मूवीज थी वो अब नहीं आने वाली। इस आदमी को हम बुलाएंगे राज। तो राज दरअसल होता है हीरो और उसके ऊपर इल्जाम लगे थे कि उसने अपनी महिला फ्रेंड के साथ जिसके साथ वो एक मूवी के अंदर काम करने वाला था उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। और वो इस बारे में अपने मैनेजर से बात करता है और उसका मैनेजर कहता है कि तुमने जो भी हरकत करी है इसकी वजह से तुम्हारे फ्यूचर और प्रेजेंट के काफी बड़े वाले एल लगने वाले हैं और अब मैं भी ये जॉब छोड़ रहा हूँ। पर राज अपने मैनेजर को समझाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, औरत एक नंबर की गंदी महिला है, शी इज अ डर्टी वुमन। पर राज भी जानता है कि अब उसको केस लड़ना पड़ेगा और उसके केस में काफी पैसा घुसने वाला है, इसलिए राज की काफी प्रॉपर्टी बिक चुकी है क्योंकि उसको पैसा इकट्ठा करना है इस मामले को रफा दफा करने के लिए। और अब वो चुपचाप से बारबरी निकल जाता है। दरअसल उसकी एक प्रॉपर्टी थी बारबरी में और ये प्रॉपर्टी वही घर था जहाँ पर पिंकी और जॉनी के साथ वो कांड हुआ था। अब राज यहाँ पर क्या देखता है कि किसी का सामान यहाँ पर डला हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई तो है। खैर वो शाम को अपने दोस्त के साथ पार्टी करने वाला था और ये लोग एक क्लब में पार्टी करते हैं जहाँ पर राज अपने दोस्त को बताता है कि हाँ उस महिला के साथ उसका संस्कारी प्रोग्राम हुआ था, वो भी मुझसे लिपट रही थी, मैं भी उससे लिपट गया, उसने मेरे अंदर का जानवर जगाया और उसके बाद मैं भी फॉर्म में आया और मैं उसके साथ संस्कारी हो गया। पर उस गंदी औरत ने मेरे ऊपर अब काफी बड़े बड़े केस डाल दिए हैं। और अब नशे की हालत में राज दोबारा से अपने घर में वापस आता है और अब राज को यहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं बेसमेंट से। अब राज को मालूम था कि कोई ना कोई तो बेसमेंट के अंदर है, तो वो अपनी गन लेकर एक टॉर्च के साथ धीरे धीरे करके बेसमेंट के अंदर बढ़ता है। उसको भी वो दरवाजा मिलता है, वो दरवाजा खोलता है, उसको वो सुरंग भी मिलती है और वो सुरंग के अंदर बढ़ जाता है। अब वो यहाँ पर खुश हो रहा था क्योंकि उसके घर के नीचे इतनी बड़ी सुरंग है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी काफी बढ़ चुकी है और वो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी का नाप ले रहा होता है कि तभी सुरंग के रास्ते में उसको एक कमरा मिलता है। इस कमरे में एक टीवी चल रही होती है और उस टीवी में एक महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है और वो क्या देखता है कि एक काफी बड़ी हाइट वाली महिला वो पूरी निर्वस्त अवस्था में उसकी तरफ बढ़ रही है और वो यहाँ से भागने लगता है और भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता। और हम लोग क्या देखते हैं कि इस गड्ढे में पिंकी भी होती है। पिंकी यहाँ पर राज को ये समझाती है कि वो जो भी चीज है वो हमको नहीं मारेगी अगर तुम यहाँ पर हल्ला नहीं मचाओगे, वो सिर्फ हमको अपना बच्चा मानती है, तो वो जो भी कहे वो चुपचाप से करना। कि तभी यहाँ पर वो महिला जो कि खली का फीमेल वर्जन लगती थी
वो यहाँ पर एक दूध की बोतल को नीचे लटकाती है। वो यहाँ पर राज के पास करती है, तो राज यहाँ पर ये दूध नहीं पीता, पर पिंकी चुपचाप से अच्छे बच्चों की तरह ये दूध पी लेती है। पर राज को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पर इस बोतल को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता। तो ये खली का फीमेल वर्जन नीचे आ जाती है और राज को घसीट के उस कमरे में ले जाती है जहाँ पर वो टीवी चल रही थी, और अब वो राज को अपने थनों से दूध पिलाती है। और अब यहाँ पर जब ये पिंजड़ा खुल जाता है तो मौका पाकर पिंकी भी यहाँ से बाहर निकल जाती है, और वो भागकर बेसमेंट वाले कमरे में जाती है और खिड़की को तोड़ के जैसे ही बाहर निकलती है उसको वो पागल आदमी मिल जाता है, और ये आदमी उसको यहाँ पर खींच लेता है और ये खली का फीमेल वर्जन उसको नहीं पकड़ पाती। ये आदमी पिंकी को पहले वार्निंग देने आया था कि इस घर में मत रहो, यहाँ से चले जाओ, पर हमारी तरह पिंकी ने भी इसको पागल समझा, और अब यही पागल पिंकी से कहता है कि मेरे साथ चलो। पर पिंकी कहते हैं कि हमको उस आदमी को बचाना पड़ेगा जो कि इस समय बेसमेंट में है। और मौका पाकर पीछे से राज भी यहाँ पर भाग चुका था, और वो धीरे धीरे करके कमरे की तरफ बढ़ता है, और ये खली का फीमेल वर्जन उसको देख लेती है। पर वो जैसे इस कमरे को देखती है वो यहाँ से वापस लौट जाती है, यानी कि इस कमरे में कोई ना कोई तो है, जिससे ये खली का फीमेल वर्जन डरती है। तो अब इस कमरे के अंदर जैसे ही राज जाता है वो क्या देखता है कि इस कमरे से काफी बुरी बदबू आ रही है। यहाँ पर कुछ महिलाओं के वस्त्र डले हुए हैं और खाने पीने के सामान के खाली डिब्बे डले हुए हैं, कि तभी उसकी नजर जाती है इस घर में डले लेटे हुए इंसान पर जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। और दूसरी तरफ हमारी पिंकी जो कि पुलिस को फोन लगाकर यहाँ पर सब कुछ समझाती है कि मैंने उस घर के बेसमेंट के अंदर एक क्रिएचर देखा जो कि काफी अजीब सा था, वहाँ पर एक आदमी फंसा हुआ है, जाकर उसको बचाओ। पर यहाँ पर पुलिस भी लाई, इसमें मेरा क्या फायदा और तू है कौन? अब पुलिस को यहाँ पर पिंकी की हालत देखकर ऐसा लगता है कि पिंकी दरअसल एक पागल महिला है, पर वो फिर भी पिंकी के कहने पर इस घर के पास आते हैं। पिंकी कहती है कि इस दरवाजे की चाबी मेरे पास नहीं है तो तुम लोग इसको तोड़ दो। तो ये पुलिस वाला कहता है कि तू क्या चटक गई है क्या, ऐसे ही मैं किसी के घर के अंदर कैसे घुस जाऊं। कि तभी इस पुलिस वाले को एक दूसरी जगह से कंप्लेन आती है, और ये दोनों ही पुलिस वाले पिंकी को अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। मतलब पिंकी भी सोच रही होगी, और अब हो चुकी है शाम, और पिंकी डिसाइड करती है कि वो अकेले ही राज को बचाने जाएगी। और अब राज को यहाँ पर कुछ कैसेटें मिलती हैं, और राज जैसे ही इन कैसेटों को टीवी पर लगाता है उसको क्या मालूम चलता है कि एक कमजोर सा दिखने वाला बूढ़ा इंसान इतना बड़ा वाला हरामी है कि क्या ही बताएं। ये नई नई महिलाओं को लाकर यहाँ पर उनके साथ गलत काम किया करता था, उनकी वीडियोस बनाया करता था, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था, और उन महिलाओं के साथ गलत काम करने के बाद जो बच्चे पैदा हुआ करते थे ये नीच इंसान उनको भी नहीं छोड़ा करता था। अब राज इससे पहले अपने गुस्सा निकाले ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर एक गन लेकर ढिसक्याओं कर देता है, और अब राज यहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी उसके सामने पिंकी आ जाती है, और वो गलती से पिंकी पर ही गोली चला देता है। मतलब पिंकी एक तो उसको बचाने आई और भाई साहब ने उसको ही गोली मार दी। खैर ये गलती से हुआ था, इसलिए पिंकी उस पर इतना गुस्सा नहीं होती, और इनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी, इसलिए ये दोनों ही उसी आदमी के पास जाते हैं जिसको ये लोग पहले पागल समझते थे। और ये आदमी कहता है कि मैं काफी सालों से यहीं पर रह रहा और तुम यहाँ पर सेफ हो, क्योंकि यहाँ पर आना उस महिला के लिए इम्पॉसिबल है। कि तभी वो खली का फीमेल वर्जन इस आदमी के पीछे से आ जाती है और इस आदमी की गर्दन को 360 डिग्री में घुमाकर ये साबित कर देती है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अब ये दोनों ही बेवकूफ जल्दबाजी में एक टंकी के ऊपर चढ़ने लगते हैं, और इनका पीछा कर रही थी वही खली का फीमेल वर्जन, वो भी यहाँ पर गलती से गिर जाती है। और जैसे ये दोनों ही टॉप पर पहुंचते हैं राज यहाँ पर एक ऐसी हरकत करता है जिसके बारे में मैं आप कोई भी नहीं सोच सकते कि राज ऐसी हरकत करेगा। राज यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए पिंकी को ही ऊपर से फेंक देता है और इस खली की फीमेल वर्जन से कहता है कि जाके अपनी बेटी को बचा लो, और ये खली की फीमेल वर्जन भी यहाँ पर कूद जाती है अपनी बच्ची को बचाने के लिए। और राज अपनी गन को लेकर नीचे जाता है और वो क्या देखता है कि पिंकी अभी भी यहाँ पर जिंदा है, क्योंकि इस खली की फीमेल वर्जन ने उसको बचा लिया था। पर जैसा कि मैं इस महिला को क्या बुला रहा, खली का फीमेल वर्जन, यानी कि ये महिला इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाली। ये तुरंत यहाँ पर खड़ी होती है और राज के सिर को नारियल के छिलके की तरह छील देती है, यानी कि अब राज का भी हो चुका है राम नाम सत्य। और उसके बाद खली का ये फीमेल वर्जन जो कि पिंकी को अपनी बेटी समझ रही थी वो उसको काफी प्यार से खिलाती है। वो समझ रही थी कि पिंकी दर्द में है, पर पिंकी भी ये समझ रही थी कि ये औरत कितनी भी अच्छी हो पर ये है तो एक क्रिएचर ही। तो अब पिंकी को काफी बुरा लगता है, पर वो इस औरत की मासूमियत का फायदा उठाकर उसके सिर में गोली मार देती है, यानी कि इस खली की फीमेल वर्जन का यहाँ पर द एंड हो जाता है, और साथ ही साथ द एंड हो जाता है इस मूवी का भी।